आइए सरपट जो नागपुर से तशरीफ लाए हैं, एक अच्छा शायर एम ए सागर जो अदरी के हैं, सात किताबों के दीवान मजमुआ है इनका, इनको हम पा रहे हैं। एक ऐसा खामोश मुखय्यर शायर जिससे लोग चुपचाप फायदा हासिल कर लिया करते हैं, जिसकी नुमाइंदगी आज पूरा घोसी दे रहा है। शरीफुल हसन शरीफ एक शरीफ शायर भी स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी बड़े अदब के साथ इस्तकबाल करता हूं। और इसके साथ साथ मैं जनाब बादशाह राही से इल्तिमास कर रहा हूं कि नीम का पेड़ घर की शोभा, बादशाह प्रेमी, नीम का पेड़ घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता, नीम का पेड़ घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता, हम क्या जाने किस रंगत का होता है बादाम का पेड़। एडवांस नहीं, एडवांस नहीं, पहले इस्तेमाल करिए तब विश्वास करिए। मंच पर बैठे सुनिए भैया, माइक इको बिल्कुल समाप्त कर दीजिए, इको बिल्कुल कम कर दीजिए, पहले कम करिए तब तो बोले हैं, इको खत्म करिए, इको मैं बोलता हूँ तो लगता है मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, एक साथ डबल डबल आवाजें निकल रही हैं। दरअसल इको गाने के लिए है, धारा प्रवाह बोलने के लिए नहीं है। बिल्कुल कम करिए, जब तक आवाज स्पष्ट नहीं हो जाए मैं बोलूंगा नहीं। हाँ देखिए अभी भी डबल आवाज आ, एकदम बिल्कुल जीरो करिए, साफ साफ आवाज स्पष्ट हो जाए हमारी। भाई अबरार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जियाउद्दीन भाई बैठे हैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुंबई के बहुत बड़े कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई, आपने बुलाया, मुलाकात क्या हुई आप ही ने बुलाया था, और आज के मुशायरे को सभी लोगों ने कामयाब किया है। देखिए मैं गा के नहीं पढ़ता, मैं कहता हूँ कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम। लोगों को सुना है आपने, सराहा है, अब थोड़ा सा मैं भी देखता हूँ कि कैसे कैसे आपका मिजाज बनता है। प्यार मोहब्बत की बातें जब से मैं बैठा हूँ सभी शायरों ने की है, कोई वंचित नहीं रहा, सब लोग इश्क मोहब्बत की बातें की। चार पंक्तियां केवल पढ़ता हूँ सुनिएगा, चार मिसरे पढ़ता हूँ सुनिए कि सुना है भैया, अभी भी आवाज जी जी तो इको मैं कह दिया हूँ कम करी, बिल्कुल जीरो करी, नहीं तो मेरा मामला गड़बड़ जाता है। जेके मीडिया मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ, कई जगहों पर आपसे मुलाकात हुई है, आज कुछ चाहता हूँ कुछ नया आपके इसमें रिकॉर्ड हो जाए। सुनिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सुना है, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो सत्य होता है वो मैं परोसता हूँ, मैं कहीं से उपमा अतिशोक्ति वाली बात नहीं करता हूँ, ये नहीं तिल का तार नहीं बनाता हूँ कि मिलेंगे जब हम तो बारिश होगी, बेवकूफ जब सूखा पड़ा था तो काहे नहीं मिल गए, ऐसा वैसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ सुनिएगा। बहुत सुना है, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। अब मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा लगा, तो ये फुटकर तालियां नहीं, तालियां तालियां आपकी बढ़ेंगी तो मेरी कविता भी बढ़ जाएगी। हाँ मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। हाँ ऐसे तालियां बढ़नी चाहिए। देखिए जब लोग सोने लगते हैं तो इन लोगों को जगाने के लिए मुझे बुलाया जाता है। मैं फिर से एक बार अबरार भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए मेरी आदत है, मैं कहीं जाता हूँ तो पहले एक वंदना करता हूँ, वंदना किसी देवी देवता की बिल्कुल नहीं, आदमी और आदमियत की वंदना करता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मन मिजाज मेरा भी बन जाए, इसके लिए मैं वंदना पढ़ता हूँ सुनिए। बहुत सारे लोग पहली बार मुझको सुन रहे हैं, हमारे मंच पर जो शायर मित्र हैं सब लोगों ने सुना है। भाई
जी पढ़ें आप। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बात बनी ही नहीं। कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी यवारे हो शराबी हो गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। बहुत अच्छा, आप लोग हमको हिट कर रहे हैं कि हुट कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं। अच्छा, तो सुन के तब हिट करिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। कम से कम चार पंक्तियों के बाद ही आपकी ताली बजनी चाहिए। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूं मैं। ओ आलसी यवारे हो शराबी हो गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। वाह वाह वाह। अब आपको लगा होगा अच्छे लोगों की वंदना कर रहा हूं, ये न रहे तो हम लोगों का समाज ही छिन्न भिन्न हो जाए। कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूं मैं। ओ दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। कि दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं। और जितने घोटाले बाज चाल बाज धोखे बाज सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए जो लोग मंच पे मुछ मुंडे हैं इनको छोड़ के कह रहा हूं। दरअसल इनकी तादाद जो बढ़ने लगी है, मैंने कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र और छक्का। ये बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं। बाकी लोगों के लिए मैं पढ़ता हूं कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे हास्य व्यंग्य लिखने का काम करता हूं मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिए श्रीमान मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। वाह। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। क्या कहने हैं, वाह। स्टेज से तवज्जो की दरख्वास्त। और सोने वाले सूरदास पेटूदास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। बहुत अच्छे। और हंसने की शर्त पर चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं गूंगे बहरे पशु या पषाण कहलाएंगे। और साढ़ों को भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोरगुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तक खाएंगे वो पांच लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। देखिए आज जो निजामत कर रहे हैं इनको छोड़ के कह रहा हूं। इनको भाई बुलाए, इनकी महती कृपा है, इन्होंने बुला दिया हमको। और सुनिए तमाम बातें हुई हैं, फिर से चार पंक्तियां पढ़ता हूँ इश्क मोहब्बत के नाम। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर बच गए तो ठीक है दुनिया की नजर से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। ये शर्त किसी ने नहीं रखी है। सब लोग इश्क मोहब्बत की बात की, ये शर्त किसी ने नहीं रखी है, मैं रख रहा हूँ। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिए। कि सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है। सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है। मोहब्बत में कोई बदनाम अपने आप होता है। और यहाँ बच्चे तो होते अस्पतालों में आसानी से, अदालत में बड़ी मुश्किल से पैदा बाप होता है। अदालत किसी के लिए कह दिया, देखिए नाम नहीं हम रखता लेकिन सीधे सीधे बात वहां तक पहुंच गई। बच के कह रहे हैं। अब सुनिए चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि एक खबर आई अखबार में, हमने देखा कि राधे माँ का नाम बड़ा चर्चित है महाराष्ट्र में। भाई सलमान भाई कहाँ गए? राधे माँ का नाम चर्चित है बड़ा है। अखबार में खबर छपी कि चंद दिनों के बाद राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। यही से मुझे लगा कि क्यों न उसी जेल में इनको भी शिफ्ट कर दिया जाए जिसमें बाप बेटे पहले से हैं।
अब मेरी बात समझ रहे होंगे, सुनिएगा। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। क्या है? जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते, समय जो मेल से बाकी बचा फीमेल में बीते। और सुबह सौराष्ट्र देहरादून दिन में, रात पूना में, कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। मामला यही फाइनल। और सुनिए एक 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 और खबर पढ़ दे रहा हूँ आपको, मैं सही घटना बता दे रहा हूँ। अभी ताली बजाने वालों की बात हमने की है। ट्रेन में सफर करते हुए चार पांच ताली बजाने वाले चढ़े एक ही साथ। निकालो 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 निकालो, मैं दिमाग खराब हो गया। पहले तो मैंने डांटा, चल यार आगे बढ़ जा, गया फिर से मुड़ के आया। मुड़ के आया तो ये चार पंक्तियां मेरी निकल गई। सुनिएगा यहीं से कि पहले उसने उसने से मेरा मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया और चुम्मन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। देना पड़ जाएगा, देना, यकीन जानिए देना पड़ जाएगा चाहे कोई भी। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्मन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। हद हो गई ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुंबन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। चार पंक्तियां बिल्कुल नई नई, और सुन लीजिए कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, और गलत हो गई है जमाने की इच्छा। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, गलत हो गई है जमाने की इच्छा। और जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वही हो रही है नहाने की इच्छा। जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। अच्छा जल्दी जल्दी मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ दे रहा हूं, सुनिएगा। कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो। अलग ये पंक्तियां पढ़ने से पहले मुझे यहां तो डर नहीं लग रहा है, फायदा बाद में मैंने पढ़ दिया, पीटते पीटते में बचा। मैं कसम से बता रहा हूं, पीटते पीटते में बचा। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए, चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। बहुत अच्छे। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए, चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। और दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टापर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और घोसी के लोगों क्षमा प्रार्थना के साथ दो पंक्तियां पढ़ दे रहा हूं कि रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। रमजान में भाई प्रेमी जी देखिए दोबारा इनायत हो जी। मैं कह रहा था कि पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं है, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। ये आजकल स्थितियां बड़ी विषम स्थिति आ गई है। मैं बता दूं, बहुत सारी कविताएं हमारी हैं जो बहुत कई कई जगह, मैं सही बता दूं, मार खाते खाते बचा हूं। लेकिन मजबूरी है कि मैं कहता ही हूं, जो सच बोले तो कहता ही। मैं कहता हूं कि सच कहें या झूठ बोले आप ही इंसाफ करिए, सच कहें या झूठ बोले आप ही इंसाफ करिए। बात से जब ठेस पहुंचे आपको तो माफ करिए। आईना अच्छा भले ही हाथ में हो आपके, देखने के कब्ल अपनी आंख को भी साफ करिए। बहुत देखने के कब्ल अपनी आंख को भी साफ करिए। सुनिएगा एक कविता पढ़ के। अच्छा मेरा मन हो रहा था भोजपुरी कुछ पढ़ने के लिए, भोजपुरी भी बहुत कुछ लिखा हूं मैं, लेकिन आप लोग देखिए अभी तक मंच से भोजपुरी किसी ने नहीं पढ़ी। पढ़ दूं क्या? नहीं पढ़। अच्छा सुनिए सुनिए
सुनिए, दरअसल हमारे देवरिया की भोजपुरी आपके भोजपुरी से कुछ भिन्न होगी, लेकिन बात भोजपुरी की आती है तो मैं तमाम टीवी चैनलों से, मुझे लगता है 10-12 टीवी चैनलों से मैंने कहा है कि हमारी भोजपुरी इतनी समृद्ध है, जहां एक एक शब्द के 30-30, 40-40 पर्यायवाची है भोजपुरी में। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देना जरूरी समझता हूं। भोजपुरी में आपको बता दूं, ये सर है, ये शरीर है, ये बीच वाली कड़ी मात्र 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके 14 नाम है। अंग्रेजी में केवल नेक, भोजपुरी में मऊर, मलपट, टेडुआ, गोर्दन, गला, गोर, फफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेट, घगेला, है कि नहीं है? है। अगर दर्द हो रहा हो तो अंग्रेजी का विद्वान ज्यादा से ज्यादा कहेगा बड़ा पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग गोड़ता, बोथता, चनकोता, टपकोता, छेदता, बेधता, करकता, अंगरता, झिझिनाता, दुखाता, मिमोरता, गोड़ता, ऐठता, कहते हैं। और जोरदार ताली होनी चाहिए भोजपुरी के नाम। भाई देखिए, पूरा स्टेज बेदार है। सुनिए, मैं आपका 2 टेस्ट लूंगा, उसके बाद खुद इम्तिहान में मैं बैठ जाऊंगा। 2 टेस्ट लेता हूँ, 2 मुक्तक पढ़ता हूँ। पहले सुनिए, खेत के हुआवरी के बुवता केहू, खेत के हुआवरी के बुवता केहू, बोझा बीमारी के ढोवता केहू, आ रिंग टोन आयल मोबाइल में ऐसा की बाजा तक केहू का टोवा तक केहू। अरे बाप, भाई निशाना कहाँ गया? लेकिन ये बात नहीं था, नहीं तो हम पहले भोजपुरी पढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक मुक्तक, अरे 500 सैकड़ों मुक्तक है महाराज, पहले एक मुक्तक और सुनिए। बुढ़ियो करिया बार रंगा के छंटवावे ले पट्टी, इतना लदा गए बोले ले। बुढ़ियो करिया बार रंगा के छंटवावे ले पट्टी, अब बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। क्या है, बहुत अच्छे। बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी, आ देखा देखी फैशन के आई अजब बीमारी, नक भेभनी कंडेरी सबरो बन गेली बरकट्टी। बहुत अच्छे। अच्छा, एक मुक्त और पढ़ दिखा। एक मुक्त और सुन ली। सूर देखी, अभी बार बार कह रहे थे निजामत कर रहे, कह रहे कि नंदिनी को देखिए आप लोग, इनको देखिए, मधु को देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सूर देखी सितार मत देखी, सूर देखी सितार मत देखी, रूप देखी सिंगार मत देखी। सूर देखी सितार मत देखी, रूप देखी सिंगार मत देखी, इश्क के भूत जब चढ़ल हो खेत, लाद जूता पजार मत देखी। इश्क के भूत, एक भूत होला, इश्क के भूत जब चढ़ल हो खे तो लाद जूता पजार मत देखी, अब बफर सिस्टम है बाबू साहेब, मियां बाभन चमार मत देखी। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बफर सिस्टम है बाबू साहेब, मियां बाभन चमार मत देखी। मुक्तक के बहुत लंबा श्रृंखला बाद में मुक्तक हुई। अच्छा, एक कविता आपको बता दी। अबे हम कहले कि जोन सामने घटना घटल यह हमार कविता हवे, कहीं से उपमा अतिशोक्ति घुसेड़ के हम आज तक लिखले नहीं। तिल के तार बना के श्रृंगार के कवि लिखे लेंगे, तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है, ढील हवे काते जुआ है का तू, जुल्फों के साए में रहेगा भाई, आदमी कैसे पढ़ पाएगा? नहीं, गाना गा रहे लोग तुझे तेरी खुशबू से पहचाने ले, कुत्ता हवे काते, खुशबू से कैसे कोई पहचान पाएगा? खुशबू से कोई पहचान पाएगा? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन ऐसे कहते तुझे तेरी खुशबू से पहचान, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, बेवकूफ भूत है क्या तू? ऐसा कहीं होता है 100 साल पहले प्यार था, आज है, और 100 साल 200 साल तक, किसी का प्यार 200-300 साल तक रहा है, 70-80 साल तक जीना ही है, ये बेवकूफाना बातें हैं। मैं जो घटनाएं घटती हैं वही लिखता हूँ। सुनिए, घटना का जिक्र करता हूँ, 8 लाइन की कविता है, बहुत वायरल, आप देखिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिए, फेसबुक पर सर्च करिए, मिलियन से ज्यादा हमको पहुंचाया इस कविता ने, 8 लाइन की कविता है। सुनिए, घटित घटना पर, हमारे गाँव से एक बारात जा रही थी और एक मोड़ है बंजरिया बाजार, वही की घटना है, सुनिएगा 8 लाइन की कविता। की तिलक के भीड़, अब इधर कमांडर पे हम लोग बैठे थे, उधर मार्शल वाला एक बारात लिए जा रहा था, दोनों आमने सामने खड़ा कर दिए और उसी में मार पिटाई हो गई, यहीं से कविता का सृजन हुआ। सुनिए, कि तिलक के भीड़ या बिया है के रेला, तिलक के भीड़ या बिया है के रेला, सतिया में सारे के टूटल फफेला। फफेला मतलब पूरा ही गुमटिया के जब हेतर पकड़ लिया, फफेला कहा जाता भोजपुरी में।
तिलक वीर बियाह करेला सत्यम सारे को टूटल फफेला एने कमांडर आ उन रहे मार्शल तिलक बारात दुनु भई रहे पार्सल रहे बंजरिया बाजारी के मोड़ हाथ साफ कहले के लागल होड़ आ मार्शल के ड्राइवर उतर या ढाई से मरल सिस हमदा के एक फाइट ठाई से अच्छा अच्छा ए जाके इस मोहम्मद को क्षमा करी ई हमरे गांव के सब घटना हमरे गांव के लोग हवे जो हमरे और कमांडर चलावत रहे कोई इस मोहम्मद नाम आप देखिए फेसबुक पर यूट्यूब पर सर्च करो कि मार्शल के ड्राइवर उतर आए ढाई से मरल सिस हमदा के एक फाइट ठाई से अब टैक्सी के लोग सब चल आए नीचे मार्शल के ड्राइवर के लागल नीचे उ सारे बैठे रहे शीशा गिरा के भीतर हुकाई भर पहुंचा घुसा के लगने एक आध हाथ हम जब फेरे तो लगल द्वारका सिंह अगवे से घेरे अब भीतर बलवंता घुसा दल हाथ है तब लो तो बाह के धोल दाँत है अब मजगर बवाल भल बन गल किस्ता मरल तरह समूह तो फूट गल शीशा मंगर के दिन रहे पहली फरौरी सबके उहे कहे मार तनियौरी जे जे जा जे बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद मंगर के दिन रहे पहली फरौरी सबके उहे कहे मार तनियौरी अब बैजू टोला जात रहनी कहतनी डर से गई रहे तिलक संतोष सिंह की घर से बहुत अच्छी 8 लाइन में कविता अब सरकार सुनी एगो कविता जल्दी जल्दी में भोजपुरी के निपटा के आपसे हम विदा लें सही घटना के हो जिक्र हमरे यहाँ के एक जने मंत्री जी के बहुत बड़ा आयोजन है नाम रखायल प्रीति भोज गैले के खैले के बाद जो दृश्य आये वो कह हम नाम रखनी कुकुर भोज कविता के शीर्षक हवे कुकुर भोज एक सीधे सीधे जुड़ाव बफर सिस्टम से अच्छा लगी ताली मिले चाहिए सुनी एगो प्रीति भोज में भाई जल्दी जल्दी निपटाओ ऐसे है की अधमरा सांप अपठित कवि बड़े खतरनाक लोग अब बहुत लोग बाकी बचल बा सबके संति रख के लिए हम नहीं निपटाए लेकिन जल्दी जल्दी में सुन ले जाए एगो प्रीति भोज में भाई गैनी का सबसे बतलाई वहां जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल भैया जी जी एगो प्रीति भोज में भाई गैनी का सबसे बतलाई वहां जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल रहे मंत्री जी के खर्च कहीं घूम घूम रिसर्च खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल जुटल कई हजारों लोग जैसे ऐजा भीड़ भइल बा जुटल कई हजारों लोग हमरा देखते भई रोग सचहु भीड़ देख के डरे कहनी भाग चल के घरे भैया कहले भैया दू भाई बान जा दोनों जन गइल हन जा भैया कहले अब है रुक फारा गोल या भीतर ढुक अच्छा ढुक ढुक देखि ढुक बहुत प्यारा शब्द है हमके ढुक कहले त एगो प्रसंग याद आ जाला कोनो विभाग में 50 आदमी के भर्ती खुलल 500 लोग लाइन लगा के खड़ा हो गए अधिकारी घबरा गए बाहर स्लिप सता गए कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें अंग्रेजी वाला गेला मैं आई कमिंग सर कर गेट आउट हिंदी वाला गेला श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ कल बाहर चलो संस्कृत वाला गेला अहम आगंतुक सज्जनम पहले बाहर चल के विश्राम करिए भोजपुरी वाला गेल तो कहता ढुक की कल ढुक वाह 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 मात्र दो अक्षर का कमाल दिखिए भोजपुरी में दो अक्षर में कह दिया ढुकी तो कहना ढुक भर्ती हो गया ये कमाल है भोजपुरी का कम शब्दों में अपनी बात रख देना सुनिए भैया कहले अभी रुको फारा गोल या भीतर ढुको कहनी बाल तू हूँ देवता लो हमरो लिखवा दे नेवता कहनी बाल तू हूँ देवता लो हमरो लिखवा दे नेवता तबले पीछे से धकियावो देखनी ढेर लोग के आवो चहनी बावे दहीने हेलल बाकी ऐसा आदमी ठेलल हो गईनी बिघा भर आगे लागो लोग निहुरिये भागे आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के परल खाली खैले खातिर कितना पापर अंदर के नजारा देखल जाए धैल रहे प्लेट सजा के धैल रहे प्लेट सजा के लागल भागे लोग उठा के कहीं सब्जी कहीं पूरी कहीं अंदर के दृश्य हवे धैल रहे प्लेट सजा के लागल भागे लोग उठा के कहीं सब्जी कहीं पूरी कहीं पुलाव कहीं तंदूरी जे बरियार रहे धकियावे जे लमहर रहे उपावे जे बरियार रहे धकियावे जे लमहर रहे उपावे आइल पुलिस तले 50 आ लागो लोग करे शीर्षासन शीर्षासन कहल जाला जौन के गोड़ ऊपर आ मुड़ी नीचे हो जाए ओके बांस गाड़ल देहाते में लोग कहला आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटे सुटकावे जकरे कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा
जे गोड़े पीछी पर खाई ओकरे हरदी भांग छपाई केहू खून चुआवत जावे केहू टूटल दांत दिखावे केहू अकड़े लागल पुलिस का धकेले के पड़ल आ खाली खैले खातिर कितना पापड़ अब तड़ता टूटे लगल प्लेट तड़ टूटे लगल प्लेट ना भइल भोजन से भेंट आ जे जे रहे ढेर भुखाई असली उहे लो हुकाई जे खैले में सबसे आगे गल सबसे ढेर पिता गल जे जे रहे ढेर भुखाइल असली उहे लो हुकाइल आ हम तंदूरी पौनी एक के चूल्हा में के तंदूरी रोटी हम तंदूरी पौनी एक के भगनी इज्जत बढ़ाई लेके आ भैया लो लगौले आगे देखते पुलिस लगले भागे कहनी चलो कचौड़ी मांगो कहनी चलो कचौड़ी मांगो कहले दू मां पहले भागो कहनी चलो कचौड़ी मांगो कहले दू मां पहले भागो का हो इहे है प्रतिभोज पंखा पीठ जोगल सोज का हो इहे है प्रतिभोज पंखा पीठ जोगल सोज हम कहनी ई बफर कहाला आ कुकुर ऐसन आदमी खाला बहुत अच्छा एकदम कुकुर खाज हवे समझनी हम कहली ई बफर कहाला कुकुर ऐसन आदमी खाला केहू कहला गोरुआ खाज इहो देख ले हम आज अच्छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई उहे ढूकी एमे सबे चाहे ना निपट पाई अच्छा आपके बता दी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ना पूरी दुनिया में बफर सिस्टम के सूत्र का भाई ई खोज के हम निकल ली केहू ना जानत रहल एक सूत्र आप जान ली बफर सिस्टम फेल ना हो सकला केहू आपके बफर सिस्टम में खाए जाए के बा पैंट शर्ट पहन के जाए कुर्ता धोती पजामा वाला के पीछे खाई आराम से प्लेट सरकाई हाथे में कुर्ता ओकर कुर्ता में हाथ पोछी जाए ई सूत्र हवे बफर सिस्टम के सूत्र हवे केहू के कुर्ता में हाथ पोछ के जा सकीले कि छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई उहे ढुकी आ जे शरमाई लोकरा खलिए पेटे खेले के पड़ल खाली खैले खातिर कितना पापल आखिर करी उहवा रहे व्यवस्था नी के बाकी का कहीं आदमी के नेवता 20 जने के रो है उहवा 80 आदमी ढो है आ कुछ लो सुने जाएल गाना बाकी खाए लागल खाना हमरा जिंदगी भर ना भूली केहू खुश रहे चाहे फूली आ पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले हाँ दोस्तों देखिए एक अच्छा कवि जनाबे बादशाह प्रेमी ने अपने बहुत अच्छे अशार से नवाजा मुशायरा और कवि सम्मेलन जो है धीरे धीरे उस मंजिल की तरफ जा रहा है और मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ और मुझे एक स्लिप मिली थी जब मैं घोसी पहुँचा था कि देखिए अनाउंसर साहब एक बात का ख्याल रखिएगा कि मुशायरा एक तहजीब का नाम है हमें अपनी तहजीब को संवार करके चलना है हमें अपनी तहजीब को बिगाड़ करके नहीं चलना है हिंदुस्तान जहाँ हम रहते हैं जहाँ हिंदू और मुसलमान का एक संगम है जहाँ प्रेम है वहीं सब कुछ है कोई ऐसा शेर न सुनाया जाए जो हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत के खिलाफ चला जाए हम आप तमाम शोरा ने अभी तक जो सफ़र तय किया है उसमें कहीं से हम जख्मी नहीं हो सके।